फाइनली द एट नाइट, ये एक कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। हालांकि हॉरर सिर्फ नाम के लिए आपको उतना हॉरर शायद फील ना हो, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। खैर मूवी की ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे की और ये आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाती है। ये कोरियन मूवी और कोरियन मूवी के जो दीवाने हमारे इंडिया में कितने हैं वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। खैर इस मूवी की जो कहानी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इसको गौर से सुनो कि कई सौ साल पहले एक मॉन्स्टर था जिसकी 2 आईज थी, यानी कि आँखें थी। यार आँखें तो सबकी होती है, लेकिन इस मॉन्स्टर के पास एक रेड आई थी एक ब्लैक आई थी। दोनों ही आईज इतनी ज़्यादा हरामी थी कि ये चाहती थी कि हमारे दुनिया में हेल का दरवाज़ा खुल जाए। तो भगवान बुद्ध ने किसी तरह से उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया, लेकिन उस मॉन्स्टर को मारा नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि इन मॉन्स्टर को मारा नहीं जा सकता, ये होकर भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसकी शक्ति यानी कि वो आँखें ही उससे छीन ली और वो अपने पास रख ली। तो अब जो रेड आई थी उसको वेस्ट में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में डेजर्ट में दफना दिया, और जो ब्लैक आई थी उसको ईस्ट में पहाड़ों में दफना दिया कि ये दोनों कभी दोबारा आपस में ना मिले और वो मॉन्स्टर ना जागे। लेकिन ये भी एक प्रोफेसी थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उस लाल आग जिसको उन्होंने डेजर्ट में दफनाया है उसको एक हेल्पर मिलेगा, और वो हेल्पर की मदद से वो रेड आई आज़ाद होगी। फिर आज़ाद होने के बाद वो अपने जोड़ीदार ब्लैक आई को ढूंढेगी और फिर वो नर्क का दरवाजा हेल का दरवाज़ा खोलेगी। तब इसके बाद कहानी में क्या होता है ये मैं कुछ नहीं बताने वाला, उसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अगर मूवी के कॉन्सेप्ट की बात करो तो यार बहुत ही यूनिक लगा, और इस तरह के कॉन्सेप्ट पर मूवी देखने का जो मज़ा है वो मज़ा दुगना हो जाता है। बट अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आप फट से हमने डाउनलोड करके इस मूवी को देख लेंगे या नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मूवी की जो कहानी वो अच्छी है, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लेकिन अगर आप लोग एक स्लो बर्न मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यस ये मूवी आपको अच्छी लगी। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका एहसास होगा नहीं यार हम लोगों ने जो इतना टाइम दिया इस मूवी के लिए वो वर्थ वॉच है। उसके अलावा इस मूवी में अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि वो एग्जॉर्सिस्ट मॉन्क है जो हमारे मेन कैरेक्टर है उनको अच्छी तरह से इस मूवी में बताया है, डेवलप किया, और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मुझे अच्छी लगी। उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर है वो जो यंग लड़का का कैरेक्टर है उसको भी अच्छी तरह से लिखा है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह शूट किया, और जो VFX डाला है मतलब वो तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोरियन मूवी अगर आप लोग इतने अच्छे VFX देखने लोगों के तो मतलब, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे VFX के जो वो कैरेक्टर्स को मेकअप करते वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। BGM बहुत अच्छा लगा यार मुझे, मतलब पूरे मूवीज के BGM अच्छे होते हैं। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार ईच एंड एवरी एक्टर उन्होंने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जैसे कि कहा जो लेंथ का इशू है उस वजह से इसके एडिटिंग पे थोड़ा गड़बड़ लगती है, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा और टाइट होता तो मज़ा आया था। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि ये मूवी में कुछ भी अश्लील चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। हाँ बट वो जो भी है वो जो खून खराबे वाले सीन से बस अगर वो आप लोग के घर में देखते हैं तो आप लोग देखो, अदरवाइज आप लोग अकेले देख सकते हो इस मूवी को। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10, इट्स अ वॉचेबल मूवी फॉर मी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी कर देना, बाकी माफ़ करो।